हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेव्यू टोकन के बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूं और बताने वाला हूं, जिन लोगों को नहीं पता उनको एक शॉर्ट में बताने वाला हूं क्या है ये वीडियो। रेव्यूटो को बहुत ब्रीफ में जानने के लिए होगी। पहले मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन वो एयरड्रॉप के बारे में बताया था, बट आपको बताऊँगा कि कैसे आप फ्री में एक ऐसा कॉइन पा सकते हो जिसकी आगे चल के बहुत वैल्यू होगी। ठीक, फ्री में, टोटली फ्री बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि BNB को आप लोग जानते हो ना, $1,000 के आसपास जो टारगेट रखता है लॉन्ग टर्म में, यानी कि $600 है वो। कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले उसका एयरड्रॉप हुआ था जी, वो फ्री में लोगों को बटा था। तो मैं भी आपको ऐसे ही कोई कॉइन बताने वाला हूँ जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये फ्री में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट में, मैं बैठ के दिन रात ऐसे ही रिसर्च करता हूँ नए प्रोजेक्ट में, तो मुझे जो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भा जाता है, उसके बारे में मैं फिर कस के बोलता हूँ, लोगों को बताता हूँ, ताकि मिस ना कर पाओ आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नया आए हो तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है। आज तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो भी बनाया, वो भी देखना जाके। और यहाँ पर डेली क्रिप्टो हिंदी का मैं शो चलाता हूँ, जिसमें आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। ठीक, तो ये टेक्निकल एनालिसिस वीडियो वाली और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर मिलता है, फंडामेंटली सिखाता हूँ, कोई बकवास नहीं, कोई ऐसे ही नहीं कि जाओ भैया ले लो, ऐसे नहीं। यहाँ पर सिखाता हूँ, बताता हूँ क्यों भैया, क्यों लो, क्यों ना लो। तो यहाँ पर ही मैं यही बताने वाला हूँ क्यों आपको इसका फ्री एयरड्रॉप जल्द से जल्द देना चाहिए अगर नहीं लिया है। सबसे पहले, अगर आप लोग जानते हो रिव्यू क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके एयरड्रॉप को क्लेम कर लो। 10 टोकन मिलेंगे, 10 भी बहुत है भैया लॉन्ग टर्म में। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक आर्टिकल है, रिव्यू, व्हाई द फर्स्ट टोकन टू बी सोल्ड ऑन कार्डानो कुड बी अ बॉम्ब। ठीक, अब यहाँ पर क्यों बोला गया ऐसा, फर्स्ट टोकन होने वाला है ये कार्डानो पे जो वर्क करेगा, तो कार्डानो का पहला खुद का डेक्स आने वाला है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसे कहते हैं, उसमें क्या पता रिव्यू टोकन जो शुरुआत के वो पहले टोकन्स में से एक हो जाए जो वहाँ पर लिस्ट होंगे। ठीक, रिव्यू स्लैश एडा में ट्रेडिंग होगी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बनती है कि रिव्यू क्या पता आगे चल के इसका बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। पहले ही आपको यूटिलिटी समझा चुका हूँ रिव्यू क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है, जो पहले से नहीं थे चैनल पे, उनको बता देते हैं। यहाँ पर रिव्यू टोकन बेसिकली लोन देगा, लोन लेगा, ठीक है, ऐसे हो गया, स्टेक करेगा। और दूसरी चीज़, ये क्या है रिव्यूटो, ये बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये एक वेबसाइट पर है रिव्यूटो की, ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है, रुकिए एक मिनट रिफ्रेश कर दूँ। तो ये रिव्यूटो की आपकी वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जिसमें जैसे आपके नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, ये इनको मैनेज करने के लिए एक ऐप आने वाली है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होने वाली है, यानी कि कार्डानो पे बनी है। अब बहुत लोग कहेंगे सर कार्डानो पे कैसे बनी है, देखिए बेसिकली कार्डानो की अपनी ब्लॉकचेन है, ठीक है, कार्डानो की ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन्स पे ऐप बनाई जाती हैं, ठीक है, और ये ऐप जो होती है ये डिसेंट्रलाइज होती हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब इनको कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं करती है, इसको वहाँ के लोग मैनेज करते हैं, जो उसके टोकन को लिए होते हैं वो मैनेज करते हैं ऐसी ऐप्स को, यानी कि आगे क्या होगा ऐप में, नया फीचर कौन सा आएगा, वो वोटिंग से होता है। तो इस तरीके से जैसे नहीं डेमोक्रेसी में होता है, वैसे टाइप का होता है, तो इसमें लोगों के पास राइट होता है। ठीक, तो डिसेंट्रलाइज का यही मतलब है, और ये ऐप आसानी से करती है, स्टॉप सब्सक्रिप्शन फ्रॉम स्टीलिंग योर मनी। तो ये पहली ऐप होने वाली कार्डानो से रिलेटेड, और कार्डानो में इसने पहले दिन में ही 1.5 मिलियन का शायद फंडिंग रेज कर दी थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप क्या करोगे, आप इस पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे सिंपली अपना अकाउंट बनाओगे और 10 टोकन आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको पासवर्ड और जो ईमेल था वो सेव करके कहीं अच्छे से रख दो लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ से कम आपको सितंबर तक वेट करना होगा अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए, और क्यों करना है ये भी बताता हूँ। अब सिंपली आप सुनो यहाँ पर, क्यों ये लॉन्ग टर्म में मैं इसे अच्छा मानता हूँ, इसलिए क्योंकि आप देखो, पहली रिव्यूटो की टोकनॉमी दिखाता हूँ, टोटल सप्लाई इसकी लिमिट की गई है 280 मिलियन। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे BNB की भी कुछ इसी रेंज में, शायद 200 या 300 मिलियन के आसपास, और आप देखोगे कि वहाँ पे BNB की क्या वैल्यू और रिव्यू क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चली जाएगी उतनी, ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी जो सप्लाई है वो एक परफेक्ट है, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पर बुल रन करने के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर सप्लाई है। ठीक, और जिस हिसाब से ये 10 दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 10 की वैल्यू आगे लॉन्ग टर्म में बहुत हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर 10 की वैल्यू यहाँ पे $10 भी होगी तो $100 आपको आराम से फ्री में मिल रहे होंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर $10 मुझे मिनिमम लग रहा है इसका यार, और इसका मुझे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन लग रहा है यार, पता नहीं क्यों लग रहा है। बस कार्डानो पे बना है यार ये, एक तो एक कार्डानो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, कार्डानो को मैं स्टडी करता था दिन भर, तो कार्डानो पे बना है ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखोगे कि पहली सेल जो है 18 तारीख को हो गई, उसमें प्राइस क्या था, 0.1 यूरो का, उसमें सेल में तो प्राइस कम ही होता है, बट लॉन्चिंग के बाद हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है ये अच्छा खासा बूस्ट कर जाए। अब देखोगे यहाँ पर
कि इनिशियली ये रेविटो की ट्रेडिंग ऐप आएगी, उस पर ये रेविटो टोकन्स आपको मिलेंगे, स्टेक करने को भी मिलेगा। स्टेक करने में आपको क्या कहते हैं, और बढ़ते जाएंगे आपके टोकन्स, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, कार्डानो की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा, उसमें रेविटो पहले टोकन्स में एक होगा जो वहाँ पर लिस्ट आपको मिलेगा, और रेविटो की जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर रेव्यू एडा के पेयर में शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, और क्या रह गया यहाँ पर आपको बताना? हाँ, रेविटो में यहाँ पर लोन से रिलेटेड भी होता है कि वो माइक्रो लोन भी दे सकते हैं। अगर आपके रेव्यू टोकन है आपके पास तो आप माइक्रो लोन ले सकते हो, ठीक, कार्डानो बेस्ड स्टेबल कॉइन्स पे, यानी कि यूरो भी आने वाला है, यूरो नाम का। अब यहाँ पर आपको वाइट पेपर दिखा देता हूँ, क्यों आपको सितंबर तक रखना है इस कॉइन को, सितंबर तक अपने पासवर्ड को सेव रखना। रोड मैप यहाँ पर है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फीचर इवेंट सब दिया है। 5 जुलाई को, जुलाई में यानी कि 5 यानी कि जुलाई में रोविटो का टोकन सेल होगा। ईयू पेमेंट प्रोसेसर इंटीग्रेशन साथ, यानी कि जुलाई में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। ऐप आ जाएगी इनकी एंड्रॉयड और iOS में, और जिस दिन जब इनकी ऐप लॉन्च होगी तब खुद ही इनकी रेविट टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी, देखना। और यहाँ पर आप देखोगे नीचे आओगे टोकन सप्लाई के बाद सितंबर में जो कि मेन चीज़ होगी वो ये होगी, एनेबलिंग एडा रिव्यू लिक्विडिटी एंड स्वैपिंग, यानी कि आप एडा ले सकते हो और रिव्यू को देके अपने आपके पास जितने भी रिव्यू होंगे उसके बदले एडा ले सकते हो, ठीक, ये हो जाएगा। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे 9 यानी कि सितंबर में ही रिव्यू की लिस्टिंग हो जाएगी डेक्स CEX पे। ये एक एक्सचेंज है, मैंने देखा इलेक्ट्रो कॉइन नाम से, तो वहाँ पर इसकी जो है लिस्टिंग हो जाएगी, रेडिट पे दिया हुआ है, ठीक है। द रिव्यू टोकन विल बी लिस्टेड ऑन इलेक्ट्रो कॉइन एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर और देखोगे स्टार्ट रिलीजिंग रेव्यू टोकन्स इनटू द सप्लाई, और नीचे आओगे तो गवर्नमेंट्स और भी जो है इनकी अपनी वॉलेट भी लॉन्च होने वाली है, ठीक। तो ये सब हो गया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, जब अब मेरे पास अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पर देखने के लिए वीडियोस, और सब्सक्राइबर भी गॉड के जो क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं उसको, जो बरस रहे हैं, जो लोग व्यूज़ आ रहे हैं, जो हमारे लोग बढ़ रहे हैं हमारी फैमिली में, हमारी कम्युनिटी में बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबको, और ऐसे प्रोजेक्ट मैं ढूंढ के आपके लिए लाता रहूँगा। एक प्रोजेक्ट मैंने आपको सोलेनियम बताया था, बहुत से लोगों को उसका एयरड्रॉप मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। रेविटो के लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से जाके आप साइनअप करोगे सिंपली, और वहाँ पे आपको उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वहाँ पे ईमेल पासवर्ड डालना है, ईमेल कंफर्म करो, आपका रेविटो आपको 10 मिल जाएंगे, ठीक। और सबसे खास बात, आप इसमें रेफरल करोगे ना, तो आप जितने रेफर कर पाते हो करो, उतने जोड़ो, ठीक, उतना मतलब मज़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, और ये चीज़ मैं बताने आया और वीडियो बनाया, मैंने सोचा कि बना दूँ, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने सोचा ख़त्म हो गया होगा एयरड्रॉप, लेकिन अभी भी चल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ फिर, ठीक है। चलता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।